हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, बोथ द पेरेंट्स आर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग जो पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं और दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है जो मेल, तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा टेस्टिस, एपिडर्मिस, फास्ट डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेनिस, ये सारे ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, वो नंबर में दो होते हैं और वो ओवल शेप के होते हैं और वो स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, और ये टेस्टिस जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और हाई अमाउंट में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टेस्टिस क्या हो गया, ये नंबर में ये दो होते हैं और ये ओवल शेप के होते हैं और हमारे स्क्रोटम में सिचुएटेड है। स्क्रोटम क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। ठीक है, स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में सिचुएटेड होता है, उसी स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है और उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, जब मेच्योर होने के बाद टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। दूसरा है हमारा फास्ट डिफरेंस, स्पर्म डक्ट। ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टेस्टिस है और ये टेस्टिस किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी हो गया, उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। इसी टेस्टिस के साथ ये उसके ऊपर ये वाला पार्ट देख रहे हैं जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसी एपिडर्मिस से एक वास्ट डिफरेंस लगा रहता है जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, यानी कि जिसके थ्रू स्पर्म रिलीज होता है। जब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसी स्पर्म डक्ट के थ्रू स्पर्म आपका रिलीज होता है और फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन ऑर्गन हो गया हमारा वास्ट डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। दिस डक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस एंड ज्वाइन द यूरिथ्रा, इट कैरी स्पर्म टू द यूरिथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वाल। कह रहा है कि यहाँ से जब ये वाल से आपका स्पर्म को कैरी करता है तो स्पर्म डक्ट से होते हुए वो यूरिथ्रा के थ्रू उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है स्पर्म डक्ट का, स्पर्म को ट्रेवल करवाना है यहाँ टेस्टिस से लेके वो स्पर्म डक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, यूरिथ्रा में रहता है, यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। यूरिथ्रा क्या हो गया, वाज डिफरेंस कैरी द स्पर्म रिसीव द फ्लूड सिक्रीशन बाय द सेमिनल वेसल्स, दिस फ्लूड प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म, द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द फ्लूड इज कॉल्ड सीमेन, दिस डक्ट ओपन इनटू यूरिथ्रा। कह रहा है कि यहाँ वाज डिफरेंस जो जाता है, यानी कि स्पर्म डक्ट से स्पर्म लेके जाता है, स्पर्म डक्ट जब लेके जाता है तो यहाँ पे एक ग्लैंड जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग सेमिनल वेसल्स बोलते हैं, इस सेमिनल वेसल से फ्लूड सिक्रीट होता है और वो फ्लूड इस स्पर्म के साथ मिक्सअप हो जाता है। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक फ्लूड सिक्रीट होता है, उस फ्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म फ्लोट करते हुए मूवमेंट करता है और फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। पेनिस, यूरिथ्रा लीड टू ए मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, इट हैज टू इरेक्टिल टिश्यू एंड ब्लड स्पेस विद कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ पेनिस, इट इज यूज्ड टू पास यूरिन एज वेल एज डिलीवर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। कारण कि पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो इरेक्टिल टिश्यू का बना होता है जिसमें ब्लड स्पेस होता है और स्टिफनेस होता है, जो ब्लड स्पेस होता है वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि कड़ापन उसको प्रोवाइड करता है, और इसी पेनिस के थ्रू यूरिन भी डिस्चार्ज होता है, साथ साथ हमारा स्पर्म भी रिलीज होता है। ठीक है, तो पेनिस के थ्रू ही यूरिन और स्पर्म दोनों रिलीज होता है। तो सबसे पहले टेस्टिस में आपका वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तो स्पर्म डक्ट के थ्रू वो आगे बढ़ता है। इसी स्पर्म डक्ट को आगे बढ़ते हुए ग्लैंड है सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, उस दोनों से जो फ्लूड निकलता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, जिस फ्लूड को हम लोग सीमेन बोलते हैं, और वो फिर यूरिथ्रा से होते हुए वो बाहर रिलीज हो जाता है। यानी कि मेल में जो यूरिन और स्पर्म डिस्चार्ज का पैसेज है वो एक ही है, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू ही यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और साथ साथ स्पर्म भी रिलीज होता है। तो
ये क्या हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल में कब आता है, 14 से 15 ईयर्स की उम्र में आपका हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद ही टेस्टिस स्पर्म रिलीज करना शुरू करता है। तो याद रखना ये क्या हो गया, प्यूबर्टी स्टेज और एडोलेसेंस एज बोलते हैं, जो 14 से 15 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाता है और मेल गैमेट सीक्रेट करना शुरू कर देता है।